हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधान लॉ क्लासेस में। और मैं अधिवक्ता पंकज कुमार, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आईपीसी में कोई ऐसा भी भारतीय दंड संहिता में कोई ऐसी भी धारा है कि जो आपको किसी का मर्डर करने के बाद भी अपराध ही नहीं मानती और कोई अपराध नहीं होता। जी तो ऐसी एक धारा है, मैं उस धारा के बारे में आपको बताता हूं। धारा 100, धारा जो 100 है, ये जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है, सामान्य अपवाद के अंतर्गत आती है। तो ये धारा क्या कहती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारक करने तक का कब होता है। तो इन्होंने 7 कंडीशन बताई हैं, 7 परिस्थिति, यदि आपके साथ भी 7 ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं तो आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भी कारक कर दें तो कोई भी अपराध नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं। पहला, ऐसा हमला जिसमें युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु कारित होगा। यदि मान के चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा हमला होता है जिसका परिणाम आपको पता है कि इसके परिणाम से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो वहां आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं होगा। यदि दूसरी परिस्थिति को देखें तो यदि आपको ऐसी युक्तियुक्त आशंका हो गई है कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपद्रव होगा, घोर उपद्रव में भी 7 कंडीशन है, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि घोर उपद्रव हो रही है तो भी आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का आरोप कर सकते हैं। तीसरी हम बात करें बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। मेरा सभी बहनों से निवेदन है, यदि आप के ऊपर कोई बलात्संग करने से रेप करने के लिए कोई हमला करता है तो आप निश्चिंत होकर उसकी मृत्यु कारित कर सकती हैं। भारतीय दंड संहिता में कोई अपराध नहीं है, साफ है 3rd क्लॉज में, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला के विरुद्ध आप मृत्यु कारित कर सकती हैं। यदि हम चौथे परिस्थिति की बात करें तो प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा, मतलब यदि कोई अननेचुरल सेक्स करने का आपके साथ प्रयास करता है तो या अननेचुरल सेक्स करता है तो आप उसके उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, भारतीय दंड संहिता में कोई अपराध नहीं माना जाएगा। पांचवी बात करें व्यापहरण या अपहरण, यदि आपका व्यापहरण या अपहरण किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप उसका मर्डर कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं होगा। अगली परिस्थिति की बात करें तो सदोष परिरोध, बस यहां थोड़ी सी एक कंडीशन है, जब आपको कोई सदोष परिरोध करे, मतलब आपको कोई बंधक बना ले, परंतु यदि आप उसकी मृत्यु तब कारित कर सकते हैं जब आप लोक सेवक की सहायता प्राप्त ना कर सकें, ठीक है, इसमें कंडीशन है एक। और सातवां, यदि हम अपनी आखिरी परिस्थिति की बात करें तो अम्ल फेंकने या अम्ल देने, यदि आपको कोई भी एसिड अटैक का डर लग रहा है कि आपके ऊपर एसिड अटैक हो जाएगा और हो रहा है तो आप उस सामने वाले की मृत्यु भी कारित कर दें तो भी भारतीय दंड संहिता में कोई अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये 7 कंडीशन है, ध्यान रखना है अपन को। और आपको ऐसी और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लाइक करते हैं बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम अगले वीडियो के लिए, और जुड़े रहें विधान लॉ क्लासेस से। थैंक यू।